सबसे बड़ी जीत होगी पूरे उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद जी की। आज तो कोई इतना मार्जिन वोट से तो जीता नहीं है, ये जीतेंगे भाई। बहुत कुछ करा है बहुजन समाज पार्टी का, अब इतना वो नहीं अभी है। तो सांसद इनके पार्टी से हैं चंद, तो उन्होंने कुछ करा नहीं, उन्होंने ना कुछ आगे देखा। चंद्रशेखर भाई देखते हैं इधर, भीम आर्मी के लोग एकदम पहुंचते हैं, उन्हें पिछली बार मौका दिया था, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर बहन जी को अगर कुछ समझती बहन जी तो भाई पार्टी अलग नहीं बन पाती। हाँ, लेकिन अब भैया ने अलग पार्टी बनाई ली तो भैया की जीत पक्की है। और हम इस बार एक सीट से, केवल नगीना लोकसभा सीट से बहन जी को सपोर्ट नहीं करेंगे, भैया को सपोर्ट करेंगे। बाकी 79 सीट खाली पड़ी है, कहीं भी जाके लड़े। और वही काम आज भी हो रहा है। अगर बीएसपी में भाई को मान सम्मान मिलता तो क्या जरूरत थी आज भाई को आजाद समाज पार्टी बनाने की? मान सम्मान नहीं मिला बीएसपी में, तो मिला ही क्या है मान सम्मान, एंट्री तक नहीं मिली है बीएसपी में अभी। अभी हमारी मौजूदगी नगीना लोकसभा क्षेत्र के दरियापुर में है। आपको बता दूं कि देखिए तमाम हमारे पीछे जो है युवा हैं और ये तमाम लोग जो है चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ पर वेट कर रहे हैं। कहाँ से आप? हम तो गोपालपुर से हैं यार, बगल के गांव से आ रहे हैं। हाँ, बगल के गांव से। यहाँ पर किस लिए आप लोग आए हुए हैं? हम तो चंद्रशेखर भैया के लिए आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वोट देना है, उन्हें देखना है। और क्या, वोट जिताना है उनको? जिताना है तो पक्का। चंद्रशेखर आजाद के सामने बड़ी चुनौती है, तमाम पार्टियां जो है दमखम के साथ उतर गई है इनके खिलाफ में, पर जितना दम होगा उतना लगा देंगे अपने भैया के लिए चंद्रशेखर के। अच्छा, बिना गठबंधन के चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे? जीतेंगे 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 जीतेंगे। तो देखिए सभी लोग कहना है कि चंद्रशेखर आजादी इस बार जीत रहे हैं। जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। क्या कहेंगे भाई जी? जी एक तरफा जीत होगी, और जीत भी 2 या 2.5-3 लाख वोटों से जीत होगी भाई की। सबसे बड़ी जीत होगी पूरे उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद जी की। आज तो कोई इतना मार्जिन वोट से तो जीता नहीं है, ये जीतेंगे भाई। बहुत कुछ करा है इन्होंने, बहुत बड़े नेता बनेंगे आने वाले टाइम में भी। अच्छा, क्या काम के आप लोग इतने आप उनके फैन बने हुए हैं? जी एनआरसी लगाते हैं तो भाई पहुंचते हैं दिल्ली, किसी लड़की के साथ कुछ होता है तो भाई पहुंचते हैं। भाई किसी से डरते नहीं है, भाई एक ईमानदार नेता है, भाई में बहुत जज्बा है करने के लिए। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर मुसलमानों की आबादी तो 52% है, निर्णायक भूमिका में रहता है, तो मुसलमान सारा चंद्रशेखर आजाद जी के साथ ही है। सबको देख लिया, लेकिन चंद्रशेखर से बढ़िया विकल्प नहीं है इस टाइम। चंद्रशेखर एक तरफा जीतेंगे, सारे मुसलमान चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं। अच्छा, तो भाजपा को कैसे आप देख रहे हैं? भाजपा को, बहुजन समाज पार्टी को? बहुजन समाज पार्टी का अब इतना वो नहीं है। तो सांसद इनके पार्टी से हैं गिरीश चंद्र, तो उन्होंने कुछ करा नहीं, उन्होंने ना कुछ आगे देखा। चंद्रशेखर भाई देखते हैं इधर, भीम आर्मी के लोग एकदम पहुंचते हैं, उन्हें पिछली बार मौका दिया था, उन्होंने कुछ नहीं करा। अब के चंद्रशेखर भाई को मौका देंगे और चंद्रशेखर आजाद जीतेंगे। जीतेंगे जी, एक तरफा जीतेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका भाई? मैं मुबस्सिर नाम है मेरा। मुबस्सिर जी, देखिए इनका कहना है कि इस बार चंद्रशेखर आजाद अच्छे खासे मार्जिन वोट से जो है रिकॉर्ड दर्ज उनकी होगी। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। बड़ा उत्साह है जी आप लोगों में, क्या उत्साह का कारण? उत्साह कारण है हमारे चंद्रशेखर भाई। क्या किया है चंद्रशेखर जी, कितने उत्साह हैं आप लोग? बस आप लोग देख लो, अब तो नगिन्ने में जब जीत जाएंगे भाई साहब तभी पता लग जाएगा क्या करा। अब इतने सारी जनसंख्या, इतनी भीड़ है यहाँ, सब उन्हीं के लिए है। अब कुछ ना कुछ तो भैया ने करा ही होगा। क्या किया, कुछ बताइएगा। अब जैसे देखो बहुजन समाज एक जगह कर दिया, ठीक है, आज तक कहाँ एक कर दिया, तो अलग हो गया ना। कौन अलग हो गया बताओ? बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग वोट करते थे और बहुजन समाज पार्टी से अलग अपना पार्टी बना लिए। तो अब पार्टी तो देखो बहन जी ने खुद ने भी स्वीकार नहीं करा, पार्टी तो बनना या अलग नहीं बनने वाली थी, पार्टी तो एक ही हो जाती। अब क्या करा, वो तो मजबूरी में बनानी पड़ी भैया को, मजबूरी में बनानी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बहन जी को अगर कुछ समझती बहन जी तो भाई पार्टी अलग नहीं बन पाती। हाँ, लेकिन अब भैया ने अलग पार्टी बनाई ली तो भैया की जीत पक्की है। और हम इस बार एक सीट से, केवल नगीना लोकसभा सीट से बहन जी को सपोर्ट नहीं करेंगे, भैया को सपोर्ट करेंगे। बाकी 79 सीट खाली पड़ी है, कहीं भी जाकर लड़ लें, लेकिन एक सीट भाई जी के लिए छोड़ दें बस, नगीना लोकसभा की सीट। नहीं तो यहाँ पर भी प्रत्याशी उतारा जा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, आपने कहा कि पार्टी बना ली नहीं, तो पार्टी ऐसा तो नहीं है क्या ये पहली बार कोई पार्टी बनी हो? सही बात। बाबा साहब ने अपना जब इतना मतलब संघर्ष किया है और इतना इस समाज के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, जब बाबा साहब ने इतना संघर्ष करने के बाद भी उन्हें लगा कि जब तक हमारी सत्ता नहीं होगी जब तक हम कामयाब नहीं हो सकते, तो उन्होंने उसके लिए एक पार्टी बनाई, आपने सुना होगा आरपीआई का नाम।
आरपीआई की पार्टी जब बनी और बाबा साहब चले गए तो मिशन उनका बीच में अधूरा रह गया, तो उसके बाद हमारे जो नायक हैं साहब काशीराम जी आए तो आरपीआई पार्टी ने उनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। साहब काशीराम के संघर्षों के बारे में आप जानकारी रखते होंगे कि साहब काशीराम ने किस तरह से जमीनी स्तर से जो है इस समाज को कहां से कहां लाकर के आज ये खड़ा है, तो ये साहब काशीराम की देन है। तो साहब काशीराम को जब उस पार्टी में मान सम्मान नहीं मिला, एंट्री नहीं मिली, तो साहब काशीराम ने तभी बीएसपी का निर्माण किया और वही काम आज भी हो रहा है। अगर बीएसपी में भाई को मान सम्मान मिलता तो क्या जरूरत थी आज भाई को आजाद समाज पार्टी बनाने की? मान सम्मान नहीं मिला बीएसपी में, तो मिला ही क्या है, मान सम्मान एंट्री तक नहीं मिली है बीएसपी में अभी तक। भाई तो कहते हैं आप मिलवा दीजिए। आप लोग जो है भीम आर्मी के जितने सारे लीडर्स हैं, भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आदि FIR करवा देते हैं, सड़कों पर उतरवा कई बार जेल में चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल चले जाएंगे हम समाज के लिए, बिल्कुल अपने ऐसे दंगाई लोगों को रखेंगी हो? ये दंगाई नहीं है, हम संवैधानिक तरीके से चलते हैं, ऐसा नहीं है। कहाँ हो रहा है दंगा? कौन सा कार्यकर्ता है जो भीम आर्मी का कहीं पर दंगा करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? जहाँ पर भी कार्यकर्ता होगा अभी संवैधानिक तरीके से लड़ रहा है और संविधान ने हमें अधिकार दिया अपनी बात को रखने का, जिसको हमें कोई छीन नहीं सकता है, और इसके लिए हम अपनी जान लुटा देंगे इस संविधान को बचाने के लिए। तो बहुत सारा प्रत्याशी यहाँ पर उतरे हुए हैं, अखिलेश यादव यहाँ इस सीट से नगीना सीट से चंद्रशेखर को समर्थन करने वाले थे, लेकिन वो भी प्रत्याशी उतार दिया मनोज जी को। अभी तो मजा आएगा खेल में। मजा कैसे आएगा? तो मजा वोट प्रतिशत ना घटेगा, यही तो पता चलेगा। कैसे कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये नगीना सीट से जो है जनता चुनाव लड़ा रही है, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ा रही है। ये यहाँ की जनता ने मनो में ठान लिया है, ये उन्होंने दिल में अपने बना लिया है कि ये चंद्रशेखर आजाद की सीट है, अब कोई भी आ जाए उतरे ने वो उनकी पार्टियां है उतारे, उनको पता चल जाएगा आने वाले चुनाव में जब रिजल्ट निकल करके आएगा तो उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या कहेंगे। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो समाज के लोग, ये जो जितने भी नेता इस रिजर्व सीट पर आकर के हमारे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, वो इस समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अगर समाज में अपना अस्तित्व बचा कर रखना चाहते हैं या इस समाज के अंदर अपनी कुछ भी शाख बचा करके रखना चाहते हैं तो कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए, क्योंकि आपकी कोई पूछ नहीं है। यहाँ चंद्रशेखर आजाद जी चलेंगे और वही चलेंगे। चलिए तो देखिए चंद्रशेखर आजाद की जो है नगीना में लहर चल रही है। इधर आइए साहब, इधर आइए, इधर आइए। क्या परिचय है आपका? नबील मिकरानी। हवा किधर बह रही है? हवा तो हमारी तरफ है, चंद्रशेखर जी की तरफ, पूरी लोकसभा में नगीना की तरफ। अच्छा, तो सपा वाले, बसपा वाले, भाजपा वाले तो यही कह रहे हैं। ये कोई पार्टी नहीं, इन्होंने गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं किया। आरोप तो आपके चंद्रशेखर जी पर लगता है, ये गुंडागर्दी करते हैं थाने में जाकर। ईमानदार आदमी पे तो आरोप ही लगाते हैं बेईमान। ईमानदार जो ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते हैं उस पर तो बेईमान लोग आरोप ही लगाते हैं ना। इस बार कितना वोटों से चंद्रशेखर की जीत हो रही है? हमारे इतने वोट आएंगे डिब्बे में, वो लोगों की गिनती भी ना होने की। अच्छा, बसपा चुनौती रहेगी चंद्रशेखर के लिए? बसपा तो फिसड्डी पार्टी है, क्या है इसके पास? अभी गिरीश चंद्र सांसद है यहाँ के, उसका तो चेहरा ही सामने नहीं आया 5 साल में, उन्होंने आवाम के लिए क्या किया? जमानत करके उसे घर ही भेज देंगे आपके, जब्त नहीं होगी। आप भाजपा के सांसद को नहीं देखे हैं? नहीं देखे, नहीं बिल्कुल, जिताया हमने उसको। अच्छा हाँ, लेकिन नहीं देखे, नहीं देखे 5 साल में अभी तक। अच्छा हाँ, सपा ने भी यहाँ के एक जज साहब को टिकट दिया है। अरे गुमनाम आदमी को टिकट दे दिया, उससे तो हमारा ही फायदा होने वाला है। मुस्लिम वोट उसको देगा नहीं, मैं भी मुस्लिम से हूँ, मुस्लिम समाज से हूँ, 100% मुसलमान, दलित समाज के साथ खड़ा है, चंद्रशेखर के साथ खड़ा है। नगीना में तो 52% है, आप लोग निर्णायक भूमिका में रहते हैं हमेशा। तो हम तो पूरे चंद्रशेखर जी के साथ हैं। जीत हो रही है इस बार, जीत 100% हो रही है, और सांसद भवन में भेजने का काम करेंगे हम लोग। देखिए चंद्रशेखर आजाद के बारे में तमाम के अंदर दीवानगी और कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद का किसी भी कीमत पर जो है ये सीट निकलेगी। जब इतना ही आप लोग का जाना जा रहा है तो सिर्फ एक सीट से क्यों जीत रहा, लड़ रहे हैं आप लोग? हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, चंद्रशेखर भैया जीतेगा।
भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली, सारे निशान देख लिए, अब की बार केतली। तो अभी सांसद नहीं बने हैं, ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना रहे हैं। देखिए वो रास्ता हमारे लिए पता है कि हमारा वो क्लियर है, हाँ। और यहाँ से भी क्लियर है, जो सामने खड़े हैं या खड़े हो रहे हैं, हाँ। वे सब देख लें और सोच लें, हाँ। सोच समझ के आगे कदम उठाएं, क्योंकि हाँ। तो जो काम करेगा वो आगे जाएगा, हाँ। इनका ना तो काम है ना ही कोई नाम है। जो लोग पीछे पड़े हैं, जो लोग पीछे पड़े हैं हमारी केतली के, उनका ना कोई नाम है ना पता है, और केतली सबसे आगे है और यही सबको चाय पिलाएगी। अच्छा, इस बार सबको चाय पिलाएगी हमारी केतली। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद का जो है नगीना में जो है एकदम बिल्कुल जलवा बरकरार है, लोगों में चंद्रशेखर आजाद को लेकर दीवानगी दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी? मोदी जी ने तो स्टेशन पर चाय पिलाई, लेकिन स्टेशन का पता नहीं है, लेकिन हमारे चंद्रशेखर भाई, हमारे चंद्रशेखर भैया, चंद्रशेखर भाई हमारे घर जाए, घर घर जाएंगे ना, केतली से चाय पिलाएंगे, केतली से चाय पिलाएंगे भाई, हमारे आने वाले सांसद बनेंगे। तो चाय बनाकर देश बेच रहे हैं, चंद्रशेखर जी क्या बेचेंगे? ये हमारा भविष्य उज्जवल करेंगे, ये हमारा भविष्य उज्जवल करेंगे, बच्चों का करेंगे। हमें पढ़ाई चाहिए, हमें मंदिर नहीं चाहिए। तो चलिए देखिए नगीना में है और तमाम लोग जो है चंद्रशेखर आजाद के बारे में कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की इस नगीना सीट से जो है ऐतिहासिक जीत होने वाली है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद जो है इस जगह पर आने वाले हैं, दरियापुर में आने वाले हैं, और उनको लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। इन सभी को बयान को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।